गुड मॉर्निंग क्लास फोर स्टूडेंट, टुडे यू विल राइट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर सिक्स हॉकी द विजार्ड. ध्यानचंद हॉकी द विजार्ड, मिस हॉकी के जादूगर ध्यानचंद, उनका जो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस है वो आज आप लिखेंगे. क्वेश्चन नंबर वन, डिस्क्राइब ध्यानचंद चाइल्डहुड. क्वेश्चन नंबर वन में हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव डिस्कस्ड अबाउट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. क्वेश्चंस नंबर हम लोग एक बार देख लेते हैं. डिस्क्राइब ध्यानचंद्स चाइल्डहुड. क्वेश्चन नंबर वन में हम क्या करना है, ध्यानचंद के चाइल्डहुड मीन्स उनकी जो बचपन की जो भी हैबिट्स थी एक्टिविटीज़ थी उसको हमें डिस्क्राइब करना है. क्वेश्चन नंबर टू, वाई डिड अ लॉस एंजल्स न्यूज़पेपर कॉल द इंडियन हॉकी टीम द टाइफून आउट ऑफ द ईस्ट. जो लॉस एंजल्स न्यूज़पेपर जो था, लॉस एंजल में जो न्यूज़पेपर था उसने जो है इंडियन हॉकी टीम को टाइफून आउट ऑफ द ईस्ट क्यों कहा, मींस जो ईस्ट एरिया का जो तूफान था उसको जो है इस नाम से क्यों पुकारा, टाइफून आउट ऑफ द ईस्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थ्री, व्हेन वाज ध्यानचंद डिक्लेयर्ड द कैप्टन ऑफ इंडियन हॉकी टीम. ध्यानचंद को कब कैप्टन जो है डिक्लेयर किया गया, इंडियन हॉकी टीम में ध्यानचंद को कब कैप्टन डिक्लेयर किया गया. हाउ डिड ही प्रूव हिमसेल्फ एज अ कैप्टन, और एज ए कैप्टन के रूप में उन्होंने अपने आप को कैसे प्रूव किया, मीन्स इस क्वेश्चन में उनकी क्वालिटी बतानी है. क्वेश्चन नंबर फोर, वाई इज ध्यानचंद कंसीडर्ड अ ट्रू एग्जाम्पल ऑफ ग्रेट स्पोर्ट्समैन. मीन्स ध्यानचंद को एक महान, ग्रेट मीन्स महान खिलाड़ी के रूप में क्यों कंसिडर किया जाता है, क्यों देखा जाता है, उनकी क्वालिटी फिर यहाँ आपको बतानी होगी. क्वेश्चन नंबर फाइव, वाई वॉज ध्यानचंद निक नेम एज अ हॉकी विजर्ड. ध्यानचंद का जो निक नेम था हॉकी विजर्ड वो उनको कैसे मिला, चलिए आंसर लिखते हैं. लेट स्टार्ट क्वेश्चन नंबर वन. क्वेश्चन नंबर वन है डिस्क्राइब द ध्यानचंद चाइल्डहुड. क्वेश्चन नंबर वन, डिस्क्राइब द ध्यानचंद चाइल्डहुड एक्टिविटीज आपको करना है इसमें. आंसर, एज अ यंग बॉय, मीन्स जब वो यंग बॉय थे, एज अ यंग बॉय ध्यानचंद वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स. जब वो यंग थे तो उनको जो है स्पोर्ट्स में कोई इंटरेस्ट नहीं था. ही जस्ट प्लेड कैजुअल गेम, वो एक कैजुअल गेम ही खेलते थे और जो मतलब कंफर्टेबल फील करते थे जिन गेम में, सिर्फ उन्हें ही खेलते थे. ही लव्ड रेसलिंग एंड प्लेड हॉकी विथ हिज फ्रेंड. मीन्स वह रेसलिंग कुश्ती को से उनको बहुत प्यार था और हॉकी खेलते थे अपने फ्रेंड्स के साथ नॉर्मली, लेकिन मतलब उन्होंने ये नहीं सोचा था कि इसमें उनका करियर बनेगा. तो आपका आंसर है, एज अ यंग बॉय ध्यानचंद वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स फुल स्टॉप. ही जस्ट प्लेड कैजुअल गेम्स फुल स्टॉप. ही लव्ड रेसलिंग एंड प्लेड हॉकी विद हिज फ्रेंड. क्वेश्चन नंबर टू का आंसर, क्वेश्चन नंबर टू है, वाई डिड लॉस एंजल्स न्यूज़पेपर कॉल द इंडियन हॉकी टीम द टाइफून आउट ऑफ द ईस्ट. आंसर, वेन द इंडियन टीम अचीव्ड द सेकेंड ओलंपिक विक्ट्री बाई डिफीटिंग USA, मतलब जब USA टीम को इंडिया टीम ने हरा करके और गोल्ड मतलब सेकेंड ओलंपिक विक्ट्री उसको जीता, अपने नाम इंडिया ने किया, तब अ लॉस एंजल्स न्यूज़पेपर प्रेज मीन्स होता है तारीफ करना, प्रशंसा करते हुए द इंडियन टीम को एज द टाइफून आउट ऑफ द ईस्ट कहा था. तो आपका आंसर है, इसे लिखिए, When the Indian team achieved the second Olympic victory by defeating USA full stop, a Los Angeles newspaper praised the Indian team as the typhoon out of the east full stop. ये typhoon out of the east, इसको आप double inverted comma में close करेंगे. Question number third, When was
ध्यानचंद डिक्लेयर द कैप्टन ऑफ इंडियन हॉकी टीम? इसमें दो क्वेश्चंस हैं, ध्यानचंद को कब डिक्लेयर किया गया इंडियन टीम के लिए? तो आपका आंसर है, ध्यानचंद वॉज मेड द कैप्टन ऑफ इंडियन हॉकी टीम इन 1934। क्वेश्चन नंबर टू, हाउ डिड ही प्रूव हिमसेल्फ एज अ कैप्टन? कैप्टन के रूप में उन्होंने अपने आप को कैसे प्रूव किया? आंसर, ही रिमेन मीन्स बनाए रखना, मॉडेस्ट अबाउट हिज स्टेटस इन द टीम मैटर्स द मोस्ट, मीन्स टीम मैटर कुछ भी होता था वह अपने आप को एकदम से नॉर्मल बनाए रखते थे, कभी बहुत एग्रेसिव नहीं होते थे। ही ट्रीटेड अप्रिशिएशन एंड क्रिटिसिज्म इक्वली, वह अप्रिशिएशन प्रशंसा और क्रिटिसिज्म आलोचना दोनों को इक्वली लेके चलते थे। फिर से एक बार है, ही रिमेन्ड मॉडेस्ट अबाउट हिज स्टेटस इन द टीम मैटर द मोस्ट फुल स्टॉप, ही ट्रीटेड अप्रिशिएशन एंड क्रिटिसिज्म इक्वली। क्वेश्चन नंबर फोर, व्हाई इज ध्यानचंद कंसीडर्ड अ ट्रू एग्जाम्पल ऑफ ग्रेट स्पोर्ट्समैन? ध्यानचंद को एक ग्रेट स्पोर्ट्समैन के रूप में क्यों देखा जाता है? बहुत शॉर्ट आंसर है, ध्यानचंद वॉज अ ट्रू एग्जाम्पल ऑफ ग्रेट स्पोर्ट्समैन बिकॉज ही नेवर लॉस्ट हिज टेम्पर ऑन द फील्ड, मीन्स जब फील्ड में होते थे तो कभी अपना जो टेम्पर होता था, मानसिक संतुलन था, वो कभी खोते नहीं थे। उसके बाद आप इसमें लिखेंगे, ही वॉज अ सपोर्टिव टीम एंड कैलकुलेटेड हिज मूव ऑन द फील्ड, मीन्स वह एक सपोर्टिव मेंबर के रूप में काम करते थे, जैसे टीम को अपने हमेशा सपोर्ट करते थे और अपने जो मूव्स होते थे, मतलब किस तरीके से उनको जो है हॉकी खेलना है, ये सारी चीज़ें वो कैलकुलेट करते थे। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ लास्ट, वाई वॉज ध्यानचंद निक नेम्ड एज द हॉकी विजर्ड? उनका निक नेम हॉकी विजर्ड कैसे पड़ा? आंसर, ध्यानचंद, आप अप्रोस्ट्रोफी एस में ही लिखेंगे, ध्यानचंद इनकम्परेबल स्किल वर अक्वायर्ड थ्रू आवर्स ऑफ हार्ड वर्क, मीन्स जो इनको क्वालिटी मिली थी, जो इनको निक नेम मिला था, वो उनकी अपनी जो क्वालिटी हार्ड वर्क थी, घंटों हार्ड वर्क करते थे, उस पर उनको ये मिला था। तो यहाँ पे है आवर्स ऑफ हार्ड वर्क, मीन्स घंटों जो परिश्रम करते थे। ऑल दीज क्वालिटीज अर्न हिम द निक नेम ऑफ हॉकी विजर्ड। फिर से एक बार लिखें, ध्यानचंद इनकम्परेबल स्किल वर acquired through hours of hard work full stop, all these qualities earn him the nickname of hockey wizard full stop, hockey wizard ये single inverted comma में रहेगा। So today you will write answer the following questions।